ऑनलाइन में आपको स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे HTML कोड से कोई भी इमेज, वीडियो, PDF या फिर सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। HTML कोड से आप इजीली कोई से भी इमेज फाइल, डॉक फाइल, PDF, वीडियो, ऑडियो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। मेरा पहला वीडियो है, इसमें बहुत इजी मेथड दिया हुआ है जिसके थ्रू आप, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप सारा बहुत सारे अलग अलग इमेज या कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके थ्रू, जिसमें आपको प्रोजेक्ट में हेल्प हो सकती है। ये देखो मैं अभी ये सब कॉपी कर रहा हूँ। इसके कोई से भी एक इमेज का मैं अपना कोई भी एक इमेज का मैं पाथ डाल दूँगा, पाथ और उसके मतलब जो भी नेम है उसका, उसको मुझे जहाँ मैं फाइल सेव करूँगा वहीं पर मैं अपना इमेज रहना चाहिए। दूसरी जगह रहेगा तो मैं अपना मेरा जो फाइल है वो रन नहीं होगा बराबर। और आपके आपके हिसाब से कोई से भी आप एक नाम डाल दो, मैं अपना download.html डाल रहा हूँ, उसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा जहाँ मेरा इमेज फाइल सेव है। अब मैं उसको रन करूँगा। देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। अभी मैं इसको मुझे डाउनलोड करना है, इसलिए मुझे और भी बहुत सारे, मैं मल्टीपल ऑप्शन भी कर सकता हूँ, मगर मैं एक सिंगल ऑप्शन ही दिखाऊँगा अभी फ़िलहाल। मैं आगे कोड लिखता हूँ, मैं मल्टीपल इमेज को भी कर सकता हूँ, सिंगल इमेज को, डॉक फाइल, वीडियो जो भी आपको मतलब ज़रूरत हो उसको आप सब कर सकते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक फाइल, जिप फाइल, जो भी आपको मतलब अपने प्रोजेक्ट में चाहिए आप वो सब कर सकते हैं। ये डिफरेंट फाइल के नाम है, इमेज 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं ये रिप्लेस करूँगा, ये बाकी सब इमेज आ गए यहाँ पर। ये प्रोग्राम रन हो गया। ये प्रोग्राम मैं अपने ब्लॉग में भी रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप ब्लॉग से भी वो कोड निकाल सकते हैं। आपको जैसे इमेज की हाइट विड्थ चाहिए वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी मैं अपना अपने ब्लॉग पे ये सारे जो भी न्यू वीडियो डालूँगा उसके सारे कोड भी वहाँ पर ब्लॉग में डाल दूँगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, हाँ, ऑनली टैग, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी के बटन दिए उससे आप प्रेस किए ताकि आपके जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसको आपको मिलते रहे। ये रिप्रेस किया और ये देखो इसकी साइज़ जो काफ़ी छोटी हो गई है, उसमें परसेंटेज डालना है, वेट मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ साइज़ को, हाइट और विड्थ को इमेज की। देखो मैंने सारे प्रोग्राम पूरा ठीक कर दिया हूँ, देखो सबकी हाइट एकदम बराबर हो गई है, हाइट और वेट सबकी बराबर हो गई। अभी मैं एक लिंक बनाऊँगा, मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि इमेज बराबर दिखे और मैं डाउनलोड कर सकूँ उसको बराबर प्रॉपर तौर पे। ये मैं BR स्पेस के लिए यूज़ होता है, आप मल्टीपल BR यूज़ करते हैं ताकि आपकी इमेज में ताकि ज़्यादा स्पेस आ सके और वो क्लियर दे सके आपको। एंड इसको कॉपी पेस्ट कर दो फटाफट ताकि
मेरा टाइम बच जाए, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, ये रन करूँगा प्रोग्राम को। ये देखिए ये स्पेस हो गया पूरा सब जगह। अभी ये थोड़ा सेंटर में चाहिए मुझे, ताकि प्रॉपर बटन वटन जो भी रहे वो मुझे प्रॉपर दिखे, इसलिए मैं इधर सेंटर लिखता हूँ। और जहाँ भी मेरे को क्लॉक्स करना है, मतलब मुझे सब पूरा सेंटर में चाहिए इमेज, तो मैं वो जहाँ से स्टार्ट किया हूँ इमेज लिखना, वहाँ से एंडिंग में उसको सेंटर को बंद कर दूँगा, ताकि वो पूरा टोटली टोटल इमेज पूरा सेंटर में आ सके। अब ये हैरिफ है, ए है हैरिफ, इसमें मतलब ए हैरिफ मतलब लिंक के लिए यूज़ होता है, ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सके। बट ये हैरिफ से आप इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इमेज जो भी आप मतलब लिंक डालोगे पीडीएफ इमेज वीडियो की जो भी रहेगा उससे आप उसके थ्रू आप वो डाल सकते हैं, वो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे पीछे आप बटन लिख सकते हैं या कुछ और इसके थ्रू वो मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। देखिए मैं ये अपना इमेज ले रहा हूँ, इसका पाथ चाहिए मुझे ताकि मैं इसको डाउनलोड कर सकूँ, और इमेज का नाम भी चाहिए रहता है। ये इधर कॉपी पेस्ट कर दूँगा जस्ट, और उसकी इमेज के आगे उसका जो इमेज का नाम रहेगा वो लिख दूँगा जस्ट, और कुछ नहीं। JPG और जो भी जो एक्सटेंशन दिया रहेगा, JPG PNG जो भी एक्सटेंशन दिया रहेगा आप लिख सकते हैं। इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ पर रन करता हूँ। ये देखिए ये छोटा सा बटन दिखा, मगर इसकी थोड़ा बटन काफ़ी छोटा है, इसके लिए मैं इसको वापस से थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैंने वहाँ पर डाउनलोड जो भी मतलब नाम था वो नहीं लिखा हूँ, इसलिए वो बटन दिख रहा नहीं प्रॉपर। और ये डाउनलोड सेव करते हैं और यहाँ पर वापस से रन करते हैं। ये देखो डाउनलोड बटन देखा, और ये क्लिक करते ही मेरा इमेज डाउनलोड हो गया। आज की वीडियो में इतना ही है, थैंक यू। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, ओनली टेक।